हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल YouTube बिहार में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में, है ना। चलिए देखते हैं। तो आज है 5 जून, और 5 जून को UNEP यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या करता है, एक संस्था है जो वर्ल्ड के 193 कंट्रीज को मिलकर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करता है ना। तो इस बार का होस्टिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का होस्टिंग कंट्री है स्वीडन, है ना, जिसका सिटी है स्टॉकहोम। दूसरी कंट्री है जिसका कैपिटल है स्टॉकहोम, वहीं पर क्या होगा इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा, है ना। और इसका थोड़ा हिस्ट्री जान लें हम। स्टॉकहोम में आज इस बार सेकेंड बार मनाया जा रहा है। इससे पहले 1972 में इसको मनाया गया था जस्ट 50 ईयर ago, है ना। 50 साल बाद फिर क्या हो रहा है, दोबारा इसको स्टॉकहोम में स्वीडन में मनाया जा रहा है ना। लास्ट ईयर 2021 में पाकिस्तान में मनाया गया था, और इंडिया में 2018 में मनाया गया था, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। तो होस्टिंग कंट्री आप समझ गए, स्वीडन में इस बार होस्टिंग कंट्री कौन सा है, स्वीडन है ना। और इस बार का थीम है वॉली वन अर्थ। इस बार का थीम क्या है, वॉली अर्थ है, जबकि लास्ट ईयर 2021 में क्या था, उसका थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, है ना, जिसको 10 साल के लिए लागू किया गया है, 1 decade के लिए, है ना। कब से, 2021 से 2030 तक। इसका इस बार का स्लोगन क्या है, इस बार का स्लोगन है इफ इट डाइज वी डाइज विथ इट, है ना। अगर हमारे इन्वायरमेंट अगर अर्थ से खत्म हो जाता है तो उसके साथ क्या होगा, पर जीवन जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बॉडीज है, सभी क्या होगा, खत्म हो जाएगा हम लोगों के साथ, ठीक। और नेक्स्ट है हिस्ट्री। फर्स्ट टाइम 1972 में 5 जून को स्टॉकहोम में एज ए ह्यूमन एनवायरमेंट के तौर पर मनाया गया था, है ना। लेकिन इसको क्या हुआ, उसी साल 1972 में ही यूनिपी के द्वारा इसको एडॉप्ट करके इसका नाम रख दिया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, है ना। ह्यूमन एनवायरनमेंट को क्या नाम रख दिया गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नाम रख दिया गया, है ना। यूनिपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। चलिए एनवायरनमेंट को देखते हुए हमारा बिहार भी इससे पीछे नहीं है। वैसे बिहार हर क्षेत्र में हमेशा आगे रहा है, यहाँ तक कि भारत की आज़ादी से लेकर सभी तक, है ना, सभी चीज में बिहार हमेशा अग्रिम रहा है। तो इसी तौर पर एनवायरनमेंट के तौर पर हमारे बिहार जो बिहार भी पीछे नहीं है। बिहार में फिलहाल जल जीवन हरियाली का अभियान चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें क्या है, पौधारोपण है, सघन वृक्षारोपण मीन्स ज़्यादा मात्रा में डेंस, थोड़ी जैविक खेती गोबर को मिलाकर किया जाता है खेती, सो है नेक्स्ट सौर ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देना, ताकि जिससे क्या हो जाए, इको फ्रेंडली एनर्जी का यूज कर सके हम और एनवायरमेंट में पोल्यूशन को कम कर सके। नेक्स्ट है नदी और तालाबों को नदी और तालाबों को सूखने से बचाने के लिए जागरूकता अभियान 23 मई से लेकर 29 मई तक चलाया गया है, है ना। इस सप्ताह में ऐसे लोगों को इस पॉइंट पर ध्यान दिया गया है, जो भी जिस क्षेत्र में नदी और तालाब सूख रहे हैं उनसे उनको बचाने के लिए, है ना। थर्ड है हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। थर्ड क्या है, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, जैसे कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना। और सोलर एनर्जी के लिए क्या है, हमारे बिहार में राजगीर और गया में प्लांट क्या किया गया है, सोलर प्लेट बिछाया गया है ज़्यादा मात्रा में। और फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर 22 मई से 50 वर्ष पुराने जितने पेड़ पौधे थे उन सभी का क्या किया जाएगा, वो संरक्षण किया जाएगा, है ना। और यहाँ 2020 में कोलंबिया में मनाया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 2021 में पाकिस्तान में मनाया गया था, हमारे इंडिया में 2018 में मनाया गया था, और इस बार कहाँ मनाया जा रहा है, स्वीडन में। चलिए इस फिगर आपको दिख रहा होगा। चलिए अब हमारा वीडियो कैसा लगा, इस सबको देख कर कैसा लगा आपको, अपने मेरे कमेंट में जो इस वीडियो के कमेंट में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।